जो संबल दंगा है वो दंगा एक साजिश के तरह हुआ है, जहाँ पे विपक्ष सफल रहा। अभी वहाँ पे AR रहमान जो सांसद थे उनको पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है और उनके कई बयान सामने आ चुके हैं और पुलिस उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। हाँ, आज भाई साहब इनके आपने कहा कि जो है विपक्ष सफल रहा, विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले पुलिस के साथ साथ गांट करके जो है दंगा कराए हैं, किसकी माना जाए? एक तो इन्होंने क्या करा अपने राज्य में, मुजफ्फरनगर दंगा, मुरादाबाद दंगा और रामपुर दंगा और लखनऊ दंगा, इतने कितने दंगे करवाए, उसने प्रताड़ित किसको करवाया? आप एक बताओ, आज जो यहाँ पर एक भाई अगर समझदार आदमी हो, जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे हाँ वहाँ पे मुआवजा किसको मिला था? हाँ, जब कोर्ट ने दोबारा फटकार लगाई वहाँ पे सिर्फ मुआवजा मिला था मुसलमानों को, क्यों मिला था भाई? जब दो पक्षों में लड़ाई हुई और दोनों में घायल हुए, मुआवजा दोनों को मिलना था नहीं मिलना था? हाँ, पर लेकिन जब कोर्ट ने फटकार लगाई इन लोगों को, उसके बाद भाई इन लोगों ने अपना चेंज करा। भाई साहब ये विपक्ष पार्टी अपनी हार की वजह से ऐसा बिल बिलाया हुआ है, ये भाई साहब कुछ भी कर सकता है। आप कह रहे हो हार के वजह से, वो कह रहे हैं कि 9 सीटों पे चुनाव हुआ था, 7 सीटों को जीता बीजेपी ने और जीता घपला करा के उसको जो है छिपाने के लिए संबल में दंगा करा दिया। अच्छा सर, ये तो देखो आज की डेट में सब पता, सही बताऊं आज की डेट में बच्चा बच्चा भी है ना, वो पढ़ा लिखा है, उसके अंदर इतनी क्षमता है सोचने की। वहाँ पे 7 ट्रॉली 6 पत्थर कम से कम 10 दिन पहले रख दिए गए थे। हाँ, और वहाँ पे आप ये बताओ सुबह 6 बजे आदमी कोई उठा भी नहीं रहता, 7 बजे तक और नॉर्मल आदमी 10 बजे तक सोया रहता है संडे के दिन, वो 7 बजे कम से कम 700-800 आदमी वहाँ पे आए कहाँ से? हाँ, एक बहुत बड़ी साजिश थी, जो साजिश करने में इन लोग कामयाब हो चुके हैं। पर लेकिन बाबू ने ये चीज भूल गए थे, बाबा ने पहले ड्रोन कैमरा लगा रखे थे ऊपर, अब सबके पिछवाड़े में गरम तेल लगाया जाएगा, इनको सबको अपनी नानी याद आएगी, ये भूल गए, ये बाबा का राज है, ये अखिलेश का राज नहीं है, का राज है जहाँ समुदाय विशेष हो वहीं पर बाबा का राज है, समुदाय विशेष को टारगेट सब बाबा का राज है। दुबे, अच्छा जल के मर जाना नहीं बोलते, विकास दुबे कौन था? विकास दुबे कौन था? एक नाम विकास दुबे, विकास दुबे लेकर घूमते हो ना जाने कितने लोगों को जो है, और किसका किसका नाम लेके कितने वो बताइए, 16 ठाकुर का इनकाउंटर हुआ उसका नाम नहीं लेते आप? ये बताइए यादव का इनकाउंटर होता है उसका नाम नहीं लेते? ये बताइए क्या मुस्लिम का इनकाउंटर होता है उसका नाम आप ले लेते बढ़ियाली? ये बताइए आप उनका नाम तो नहीं लेते आप? उनका भी तो इनकाउंटर हुआ है। कहाँ हुआ? जहाँ भी होता है, अब संभल में दंगा हुआ, बहराइच में दंगा हुआ, दौड़ा दौड़ा जहाँ 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 लोग मरते हैं ना, वहाँ लोग नहीं मरते, वहाँ इंसानियत मरती है, इंसानियत मरती है मेरी जान। पत्रकार महोदय, एक ही बात कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, आज भी वहाँ पे मैंने एक मुस्लिम लेडी देखी बिचारी, उसको तहे दिल से प्रणाम करना चाहूंगा, वो यही चीज कह रही थी, मैं सबको समझा रही हूँ, ये पता नहीं क्यों लड़ना चाह रहे हैं, और वहाँ पे पुलिस कह भी रही है नेताओं के चक्कर है मत लड़ो, अपना बहुत सी मत खराब मत करो। सुनो, उसने भी बोला था जब बाहर से आके लोग लड़ रहे हैं, उसने यही बोला था, ये मोहल्ले के ही है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, वो बोला था ये लोग पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं और बाहर जाके ये दंगा फसाद कर रहा है, पत्थर मार रहा है, ये पूरी बात क्यों नहीं बोलते भाई? फोटो फुटेज जो आई होगा बाहर के दिख रहे क्या? जो बड़े बड़े फोटो निकले होंगे बाहर के दिख रहे क्या? ACP साहब ने ये कहा था कि नेताओं के भड़काऊ में नहीं आओ, आप अपना भविष्य संभालो। मैं तो योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि ACP कौन से नेताओं की बात कर रहे थे? वो कौन से नेता जो भड़का रहे वो नेता कौन है? हम तो अपने गिरफ्तार कर लिया है, वही नेता है, अंदर है, इनसे पूछेंगे ना कि वो नेता कौन है, उन पे एक्शन क्या लिया? हम बता, वो AR रहमान जो थे वहाँ पे सांसद, ये उनके भड़काओं में सारा सीन हुआ। आज वो बंदा वो तो जेल में 4 दिन रहेगा, उसके बाद आ जाएगा। वहाँ पे 5-5 आदमी मर गए, क्या उनकी जिम्मेदारी कोई सरकार लेगी? हाँ, कोई पॉलिटिक्स से लेगा? नहीं लेगा। पर लेकिन उनके पक्ष में जब ऐसे मौलाना खड़े होते हैं, ये मुल्ला जी जो किस चीज का होता है, ये सच को सच नहीं बोल पाते हैं। हाँ, और झूठी अफवाह फैला के, अब वहाँ पे ये पंडित जी है, वहाँ पे एक लेडीज कह रही थी कि मतलब उनको पत्थर ही मार दिए कौन से मर गए? अब ये वीडियो झूठे पूछने जरा सुन लो सर, वहाँ अगर पत्थर मार रहा है कोई मुसलमान, अगर पकड़ा जाते हैं
अगर पकड़ा जाने के बाद मैं अच्छा मुसलमान नहीं मानता हूँ। क्यों? हमारा मजाक पत्थर मानना सिखाता ही नहीं है और किसी को तकलीफ देना नहीं सिखाता है। ठीक है, मैं गलत मानता हूँ उनको। सुन लो पहले, जो पुलिस के ऊपर जो पत्थर पड़ रहा है वो भी गलत है। हमारे देशों में दंगा होना गलत है। और क्या बोलूं, छाती फाड़ दूं? दंगा होना गलत है, गलत है, गलत है। तो ये दंगे ही आते कहाँ से हैं? दंगे ही आते हैं, सरकार बनाते हैं, जिनको जिसको रोटी सेकना होता है अच्छा, वो करवाते हैं, जिनको वोट बैंक में फायदा। ये दंगा कौन सी सरकार ने करवाया था? अच्छा ठीक है, अब सरकार करवाया, यूपी सरकार कौन कराता है? बांग्लादेश में हो रहा है तो वहाँ सरकार ही करा रही है ना, मान रहे हो ना? बांग्लादेश में हो रहा, सरकार करा रही है ना वहाँ। एक चीज तो इन लोगों से हम लोग सीख रहे हैं, एक चीज हम भी सीख गए, पता क्या? हम गलत को गलत हम भी कहना छोड़ दिए। अगर हमारा आदमी पक्ष में हो, हम भी गलत इनसे सीख गए हैं। ये चीज तो सीख रहे हैं। यार रहमान साहब साहब वहाँ पे बंदूक के गवाही पे गिरफ्तार हो चुका है, ये उसकी गलती नहीं मान रहे हैं। देखो अब ऐसा ही कोई हमारा पक्ष होगा, हम भी उसका सपोर्ट करेंगे। इन लोग से सीख रहे हैं हम धीरे धीरे। थैंक यू फॉर यू, सीखना चाहिए, ऐसा सीखना चाहिए। और सारे सनातनी भाई को यूपी को छाड़ दे, बांग्लादेश बनाना, लेकिन भूल गए थे पिताजी बैठे गद्दी पर, अब इलाज होना शुरू हो रहा है, तो अब इनमें तिलमिलाई हो रही है। कैसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है? चार चार ट्रॉली भर के पत्थर कहाँ से है? ये भाई अभी कह रहे थे ये भाई अभी कह रहे थे दूसरे चैनल पे डिबेट में कि दो घंटे सर्वे क्यों कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो बेरोजगारी पे। बेरोजगारी पे कौन सर्वे करता है? बोले भाई से पूछ लो। अभी भाई ने ये डिबेट पे कहा नहीं करा आपने कि बेरोजगारी पे सर्वे करो? सर बात सुन लो, ये भाई कह रहे, अच्छी बात है, आपकी आस्था की बात है, दोनों जने का आस्था की बात था ना, इसको कितना अच्छे से करना चाहिए था। मगर इलेक्शन जब होते हैं, आपको अगर खतरा नजर आ जाते इलेक्शन को आगे बढ़ा देते हो। मगर सुनते लो भाई, बात सुना करो, आपने एक दफा सर्वाइव कर ली, ना कोई पत्थर पड़े ना कुछ करे, और भी तो मस्जिदों में सर्वाइव हुआ था, उसमें क्यों नहीं हुआ? मगर आपको मंशा था लड़ाई करवाने का और दंगा करवाने का, ठीक है? इसलिए सुबह 6 बजे छुप के जाते हो, दोनों पक्षों को लेके नहीं जाते हो, एक पक्ष को लेके जाते हो, भाई क्यों नहीं बोलते हो? आपको रिकॉर्ड स्पष्ट करना चाहिए। पक्ष दोनों थे, मैं मुल्ला जी से एक दोनों में थे। सुनो सुनो, मुल्ला जी से एक चीज बात, मुल्ला जी हम लोग भाई भाई हैं, भाई भाई हैं भाई, मगर सरकार को भाई भाई मानते हो? भाई भाई नहीं मानने देते ना सरकार? आप लोग मानते हो? भाई मानते हो? क्या चीज? भाई भाई हम लोग। आगे बोलो, आगे बोलो, ठीक है? तू मान लिया भाई, सुनो, भाई मान लिया, चले किसका? हम लोग, हमने नहीं मानता तुझे भाई। सुनो सुनो भाई, मैं और तुम भाई भाई है, अब बताओ, ठीक है? इनने बोल दिया, हम ये कहते हैं वहाँ पे अगर कोर्ट ने बोल दिया, अगर कोर्ट कल के दिन बद्रीनाथ ने बोलती है कि वहाँ पे मस्जिद थी, हम हिंदू समर्थन करेंगे, अगर वो मस्जिद थी तो इनको दी जाए, क्या ये बोल सकते हैं वो मंदिर था तो हिंदू को दिए जाए? बोलो। एक मिनट इधर देना, एक मिनट कैमरा, चुप सब रहना, एक मिनट रुक जा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये है कि 1947 से जितने भी धार्मिक स्थल थे उस पे आप सर्वे नहीं कर सकते। नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है ना, पहले पूरी आप तोड़ के बना नहीं सकते, ये हस्तक्षेप नहीं करते, सर्वे करना नहीं बना। सुन लो पहली बात, तो तब कहा क्या, तब क्या कहा जाता है कि हम नॉन इंसेंसिव सर्वे करें। नॉन इंसेंसिव सर्वे क्या होता है महोदय, आप बताएंगे मुझे? नहीं, मुझे नहीं, मैं बता रहा हूँ, नॉन इंसेंसिव सर्वे है, लेजर लाइट लेके जाएंगे हम, किसी चीज को तोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं। जब लेजर लाइट लेके जा रहे हो, किसी चीज को तोड़ फोड़ नहीं रहे हो, हथौड़ों का क्या काम है वहाँ पे? तुम धार्मिक नारे लगा रहे हो 200-250 लोग को लेके, तब क्यों नहीं बोलते तुम कुछ? 200-250 लोग गए थे मस्जिद में सर्वे करने, स्पष्ट करिए पहले, धार्मिक नहीं, नहीं ये स्पष्ट करिए, 200-250 लोग गए थे मस्जिद में सर्वे करने। जब आप ये, जब ये कह रहा है, जब ये बंदा कह रहा है कि चार ट्रॉली पत्थर आई थी, प्रशासन क्या कर रही थी? पूरे इलाके में सीसीटीवी था, प्रशासन वहाँ पे खड़ी थी, चार ट्रॉली पत्थर आया, प्रशासन ने नहीं रोका। जब पहले सीसीटीवी कैमरा तो ऑन होगा, तुम मेरा ये कहना ये है, अगर चार ट्रॉली पत्थर आई तो प्रशासन ने सवाल उठाने, चार ट्रॉली पत्थर आई आपने रोका क्यों नहीं? पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरा, प्रशासन अब सुनने, प्रशासन रुका, क्यों स्पष्ट कर रहे हो? यही मानसिकता स्पष्ट करते हो? हम कहा एक एक बोलो ना, एक बोलो, हम क्या बोलोगे? प्रशासन को वहाँ इन्वाइट था कि 500 मीटर की दूरी में कुछ नहीं होगा,
और 500 मीटर की दूरी में ना पत्थर था ना कुछ, तो 500 मीटर के दायरा में सब कुछ ठीक था। 500 मीटर के बाद हुई है ये सारा कहानी। ये थोड़ी है कि ये बॉर्डर स्टेट एरिया है जो पूरा फोर्स लगा दे, इसका कहने में लगे फोर्स लगा दे, फिर इंसानियत कहाँ गई इन लोगों की। एक मिनट मुझे दो, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, जो जो पत्थर चलाते मैं उसकी निंदा करता हूँ, वो हम में से नहीं है, वो हम में से नहीं है, करनी नहीं पड़ी, वो हम में से नहीं है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। पर आप ये देखो, आप संविधान को जब हम सब मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, संविधान में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत ये है कि 1947 से पुरानी जितनी भी 1947 से जितनी पुरानी धार्मिक स्थल है उस पर फोर नहीं कर सकते, सर्वे हो सकता है। चलिए भाई, दो मिनट इसको दिए, इस भाई से पूछो मत। अच्छा हमारे संविधान में सुनो, हमें हमारे बकत बोर्ड में, बकत बोर्ड क्या संविधान में लिखा था, सरिया कानून बकत बोर्ड में उसमें लिखा था, संविधान में लिखा है। एक मिनट, देश में हम संविधान को मानते हैं ना कि सरिया को। चाचा को क्यों नहीं, संविधान को फॉलो कर रहे हैं, फिर पत्थरबाजी क्यों करी, संविधान को मानते हो तो बातें करता है। संविधान में पढ़ना कितना बताना जरा, बताना लिखा कितना, की तरह नहीं है लिखा, हमारा राहुल गांधी की तरह नहीं है, हर बुक लेके घूमता फिरता यूं करता है, राहुल गांधी ने करा है। संविधान में पढ़ना कितना होता बताना, कितना पढ़ना है, हम 200 का कौन है, 200 का लिखा किसने, लिखा किसने, उसमें लिखने वाले 100 लोग, किसने लिखा, पीएम राव ने लिखा, कौन, नहीं कमेटी, सुनो सुनो सुनो, अंबेडकर का नाम क्या बताना जरा, यही बाकी है। जब सवाल बनते तो जवाब सुनने की क्षमता रखो, जवाब लो। देखो अंबेडकर, फिर ये कौन ही मारूंगा, खत्म हो जाएगा। हेलो मुल्ला जी, एकदम पूरा दिमाग खराब करने तुम्हारे, वो आप जानते हो, आपसे बात हो चुकी है, आपसे जानते हो।